नमस्कार, मैं सानिया फलक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का वोकल न्यूज शेड्यूल में। क्या त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए अनूपपुर प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा 6 दिसंबर को की थी। 3 हिस्सों में होने वाला पंचायती चुनाव अनूपपुर जिले के 2 चरणों में होना है। प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। निर्वाचन आयोग के जारी आदेश के अनुसार चुनाव 28 जनवरी और 16 फरवरी को होगा, जिसमें मतदाताओं के लिए 828 चुनाव केंद्र अनूपपुर, जतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ में बनाए गए हैं। जब कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीणा से बातचीत हुई तो पता चला कि 3 चरणों में होने वाला पंचायती चुनाव 2021-22 के अनुसार जिले में 4,40,987 मतदाता वोट देंगे और अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे। इसमें दूसरे में पुष्पराजगढ़ में 80,536 पुरुष, 82,928 महिला और 16 अन्य मतदाता 221 मतदान केंद्रों पर वोट देंगे। और तीसरे चरण अनूपपुर में 38,453 पुरुष, 38,946 महिला और 6 अन्य मतदाता 143 मतदान केंद्रों पर वोट देंगे। वहीं जतहरी में 78,606 पुरुष, 78,527 महिला और 12 अन्य मतदाता 282 मतदान केंद्र में मतदान करेंगे। और कोतमा में 21,439 पुरुष, 21,517 महिला और एक अन्य मतदाता 82 केंद्रों में वोट देंगे। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग के निर्वाचन में मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने क्या क्या उच्च व्यवस्था की है। जो युवा पहली बार मतदान करेगा उसे मतदान केंद्रों में मतदाता सूची में नाम ढूंढने की सुविधा दी जाएगी और कोविड-19 प्रोटोकॉल के लिए सचेत किया जाएगा। या फिर मतदाताओं को अपनी सारी सुविधा खुद करना होगा और प्रशासन सिर्फ नाम मात्र के देखरेख के लिए रहेगी। धन्यवाद।